दरअसल खेल बहुमत साबित करने का नहीं होगा, खेल शुरू होगा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर, और वहां पर क्योंकि विप जारी नहीं हो सकती जैसी जानकारी आप दे रहे हैं, वहां पर तीन बीजेपी, चार जेडीयू, चार हो सकता है हम के विधायक, वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दें, यानी कि अवधेश बिहारी चौधरी वो स्पीकर बरकरार रहे तो सरकार के खिलाफ अविश्वास हो गया, क्या ये कह रहे हैं आप? और क्या, इसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे? अभी गवर्नर गवर्नर के यहाँ जो इतना हलचल है, अब देखिए उनके लीगल एडवाइजर बदल दिए गए, हाँ वो बदल दिए गए, छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर जो चले गए उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेहरोत्रा ब्रजेश मेहरोत्रा, क्या हो रहा है, अब बदल दिए गए, ब्रजेश मेहरोत्रा जो है चार दिन छुट्टी पर चले गए, आर एल चौथू जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी 14 तक छुट्टी पर चले गए, अचानक ब्रजेश मेहरोत्रा आ गए, तो ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब कि नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर उनके अविश्वास प्रस्ताव पर ही हार जाएंगे तो क्या करेंगे, आप ही बताइए, व्हिप तो जारी करेंगे नहीं, व्हिप तो विश्वास मत पे जारी कर सकते हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर व्हिप जारी नहीं होता है, ये लोग भी पूछ लेंगे, आप भी जरा पूछिएगा, मैं पूछ करके आश्वस्त होकर के तब यह बात बोलूं, और लालू प्रसाद यादव ने जो, और हमारी भी बातचीत होती है, एक बातचीत हुई मांझी के एमएलए से, नाम बताना सही होगा क्या, कि पलटी मारने का अधिकार केवल नीतीश कुमार को थोड़े है, इच्छा थोड़े है कि उनको लाइसेंस मिला है कि पलटी मारने, और नहीं पलट सकते, मांझी जी बोल दिए कि हम नहीं पलटेंगे या हम गरीब हैं तो ईमान नहीं है, नीतीश कुमार जी कितना बार बयान दिया है, कौन कितना बयान देता है, बयान का कोई मतलब रह गया है अब? इसलिए बहुत संभावना है, लेकिन फिर भी देखिए एक चीज मैं कहता हूँ, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा कि सरकार डबल इंजन की सरकार हो और गवर्नमेंट गिर गई, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी हो सकता है। एक सेकंड कन्हैया बिलारी, एक सेकंड राजीव रंजन, ये नया ट्विस्ट दे रहे हैं कि बात बहुमत हासिल करने की नहीं आएगी, उससे पहले ही अविश्वास प्रस्ताव जो है अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो आप लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद ही तो विश्वास मत लिया जाएगा, वहीं पर खेला हो जाएगा और व्हिप भी जारी नहीं हो सकती। देखिए एक बात मैं आपको, संदीप चौधरी जी, मैं भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, व्हिप हो या नहीं, पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हम पार्टी के विधायक और सुमित कुमार सिंह निर्दलीय विधायक, ये 128 वोट हर सूरत में स्पीकर के सवाल पर भी वोट एनडीए के पक्ष में ही डाले, जो एनडीए का निर्देश है उसी का वो पालन करे, इसीलिए व्हिप एक तकनीकी सवाल है जिसको कन्हैया बिलारी जी ने कहा, और आमतौर पर कन्हैया बिलारी जी इस तरह की कोई तकनीकी जानकारी बहुत हल्के में नहीं साझा करेंगे, एक विश्वसनीयता है उनकी, उनकी उनके बात को मैं कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, व्हिप हो या नहीं हो, 128 विधायक कम से नहीं, नहीं कम, एक बड़ा पेच है, और मेरे पास सीधे देखिए, मैं खुलकर बोलने वाला आदमी हूं, अभी मुझे पूरा ज्ञान नहीं है इस बात का कि ये स्पीकर के लिए अविश्वास में व्हिप जारी हो सकती है, मैं इसका जवाब देता हूं, आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें व्हिप जारी करना या न जारी करने का कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बात क्लेरिफाई की है नवम रामैया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, और पॉलिटिकल पार्टी को फ्रीडम है कि वो भी जारी करें, तो ये मेरे हिसाब से ये सूचना थोड़ी सी इसको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।